हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है और इसके हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, जो हम वूलन कपड़े पहनते हैं या फिर दूसरे जो कपड़े पहनते हैं, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, हर एक चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग थ्रेड एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू मेक फैब्रिक्स। फाइबर जो होते हैं लंबे, मजबूत और फ्लेक्सिबल यानी एडजस्टेबल थ्रेड होते हैं, ठीक है, जिनका हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फैब्रिक क्या होता है, क्लॉथिंग मटेरियल, मतलब जिसका हम लोग क्लॉथ बना सके, कपड़े बना सके, ठीक है। सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से मिलता है। कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नाइलॉन एनिमल्स। जो कॉटन और जूट के फैब्रिक होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, जबकि वूल और सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, वो एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। नायलॉन, टेरिलिन, रेयन आर सम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर दैट आर मेड बाय डिफरेंट केमिकल्स। ये जो नायलॉन होते हैं, टेरिलिन होता है, रेयन होता है, ये ह्यूमन मेड फाइबर होते हैं। कैसे होते हैं, ह्यूमन मेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं यानी फैक्ट्री में बनता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। जो वूल है और सिल्क है ये क्या है, एनिमल फाइबर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है, ये जो सिल्क है या फिर वूल है, ये जो एनिमल के अंदर प्रोटीन होता है उन्हीं का ये एक पार्ट होता है, यानी प्रोटीन से मिलके बना होता है। वी गेट वूल फ्रॉम फर ऑफ शीप, फर क्या होता है, हेयर, यानी कि हमें जो वूल मिलता है, ये जो शीप होता है यानी भेड़ का जो बाल होता है, उसी से हमें ये वूल मिलता है। अंगोरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, लैमा एंड अल्पाका, ये सब जानवरों के नाम, एनिमल्स के नेम हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। अभी लैमा और अल्पाका क्या होता है, ये साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जिनसे कि हमें ये वूल मिलता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। याक इज ए वूल, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ये जो याक वूल होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में। मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, ये जो मोहेयर होता है वूल का ये कैटेगरी है, ये कहाँ से मिलता है हमें, अंगोरा गोट से। अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, फाउंड इन हिली रीजन लाइक जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमने बताया जम्मू कश्मीर में मिलती है ये। पश्मीना साल आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गोट, ये जो पश्मीना साल बनता है ये किससे बनता है, कश्मीरी गोट से, जो मिलने वाले वूल होते हैं उससे बनता है, क्लियर है। चलिए थोड़ा इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड बाय ए थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लेस। और जो ये जानवर होते हैं, जैसे कि हमने बताया ना, सीप हो गया, अंगोरा गोट हो गया, याक हो गया, रैबिट, कैमल, लैमा एंड अल्पाका, इनकी जो बॉडी होते हैं किससे कवर होती हैं, थिक कोट ऑफ हेयर, मतलब बालों का एक बहुत ही बड़ा घना एक कोट की तरह से पूरा उगा रहता है, कवर रहता है, ढका रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। द फ्लीस इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फाइबर ऑफ हेयर, हेयर स्किन ऑफ शीप। ये जो फ्लीस होता है ये दो तरह के फाइबर से बनता है, किस तरह के, दो तरह के फाइबर, कैसे, द हेयर स्किन ऑफ शीप, जो हेयर स्किन होता है यानी बालों का जो चमड़ी होता है शीप का, उसमें ये दो तरह से बनता है। पहले कौन सा है, फर्स्ट है सॉफ्ट, पहला कैसा फ्लीस होता है, सॉफ्ट होता है, ये कहाँ पाया जाता है, अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, ये जो बालों के नीचे वाले फ्लीस होते हैं
वो, और जो चमड़ी के एकदम से पास वाले होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये वो वाले फाइबर हो गए। दूसरा क्या हो गया, कोर्स यानी भारी वाले यानी रफ टाइप के जो होते हैं, बियर्ड है यानी जो उनके दाढ़ी के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं मतलब भारी होते हैं, रफ टाइप के होते हैं। ठीक है, द फाइन हेयर आर यूज फॉर मेकिंग वूल, और जो अच्छे वाले बाल होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है केवल वूल को बनाने में। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वर्म, जो सिल्क है ये हमें कहाँ से मिलता है, कुकून्स जो सिल्क वर्म होते हैं, सिल्क वाले कीड़े होते हैं, उनका जो कुकून्स होता है उससे हमें मिलता है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वूल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ज़्यादातर मेनली फोकस्ड है किसके ऊपर, वूल के ऊपर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वूल के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। वूल इज प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, वूल कैसे प्रेजेंट होता है, एक थिक कोट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बालों का पूरा थिक कोट होता है बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो भी वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं यानी वूल देने वाले जो जानवर होते हैं उनके बॉडी के ऊपर एक कोट के फॉर्म में, घने बालों का एक समूह के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर, ये जो हवा होता है क्या होता है कि इसमें जाकर के बीच में रुक जाता है, ट्रैप हो जाता है जो वूल के फाइबर्स होते हैं। सिंस एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो एयर होता है बहुत ही बैड कंडक्टर होता है यानी कि हीट को पास नहीं होने देता, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप, इससे क्या होता है जो बॉडी का हीट होता है वो बाहर निकलने नहीं पाता, एंड कीप द बॉडी वार्म, और इस तरह से बॉडी जो होता है एनिमल का क्या होता है वो गर्म रहता है। एनिमल ही नहीं, जो भी इस वूल को यूज़ करेगा उसका भी क्या कहते हैं बॉडी हीट रहेगा, गर्म रहेगा। इसीलिए यही वजह होता है कि हम लोग विंटर के सीजन में यानी जाड़े के समय में क्या पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जाड़े वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, किस तरह से हम लोग इनका पालन पोषण करते हैं, किस तरह से इनका प्रजनन होता है यानी प्रोडक्शन होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर, रियरिंग मतलब क्या होता है पालन पोषण, यानी कि ये जो शीप हैं भेड़ हैं इनका हम लोग देखभाल कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड देख करके यानी उन्हें भोजन दिया जाता है, उन्हें रहने का स्थान दिया जाता है मतलब, है ना। ठीक है, और हेल्थ केयर यानी उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है, तो इसी चीज़ यानी किसी चीज़ का पालन पोषण यानी शीप का जो पालने वाले लोग होते हैं उन्हें अच्छी तरह से फूड भोजन दे करके, शेल्टर दे करके, रहने का स्थान दे करके और इनके हेल्थ का ध्यान रख करके इस तरह से इनका पालन पोषण किया जाता है। इन इंडिया द शीप आर मेनली रियर्ड इन हिली रीजन, ये जो भारतवर्ष में शीप का मेनली कहाँ पे पाया जाते हैं, पालन किया जाता है, हिली रीजन यानी पर्वतीय क्षेत्र में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, इन सभी जो हिली एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं, पालन पोषण किया जाता है, इनको पालन किया जाता है। और कहाँ पे जाता है, प्लेन एरिया में भी किया जाता है, कहाँ कहाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में प्लेन एरिया है जहाँ पे भेड़ का पालन होता है। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड, वह व्यक्ति जो भेड़ का देखभाल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गड़ेरिया कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव्स, जो शीप होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं और ये मेनली क्या खाती हैं, घास और उनके पत्ते ही खाते हैं। सो शेफर्ड टेक द हर्ड ऑफ शीप टू ओपन ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, तो इसलिए क्या करता है जो भेड़िया जो चरवाहा होता है वो क्या करता है, शेफर्ड उनके जो झुंड होता है उन्हें कहाँ पर ले जाता है, ग्रास लैंड जो घास उगे होते हैं काफ़ी वहाँ पे ले जाता है चराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास, घास को चरने के अलावा, द शीप्स आर आल्सो फेड ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस कॉर्न ज्वार एंड ऑल केक्स, जो शीप होते हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है खाने के लिए, दाल हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, है ना, और ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है, जब हम लोग सरसों यानी जो ऑयल सीड होते हैं उससे जब हम लोग ऑयल निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है सॉलिड सा, हाँ वही क्या कहलाता है, ऑयल केक, जिसे गांव के बोल चाल भाषा में लोग क्या कहते हैं, कुछ भी कहते होंगे आपके यहाँ। चलिए, इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स,
गर्मियों में क्या होता है, सीप को अंदर ही रखा जाता है एंड फेड ऑन द लीव्स, और उन्हें क्या दिया जाता है खाने को, पत्ती दिया जाता है, ग्रेन्स, अनाज एंड ड्राई फॉडर और सूखे चारा दिया जाता है। ठीक है, इन एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल डिजायर करेक्टरिस्टिक। अब क्या आता है, जो जानवर होते हैं उनमें ब्रीडिंग यानी उनका जो प्रजनन होता है कैसे किया जाता है, हमें डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक का मतलब जिस करेक्टरिस्टिक का जो हमें जानवर चाहिए उसके लिए क्या कराना पड़ता है, इनका प्रजनन कराना पड़ता है ना। ब्रीडिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस यंग वन, अपने समान एक बच्चे को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। सो द टू इंडिविजुअल हैविंग डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक आर सेलेक्टेड एज पेरेंट। दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक वाले जो हमें चाहिए होता है, दो अलग अलग है ना इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है एज ए पेरेंट, उनके पेरेंट्स के फॉर्म में एज ए पेरेंट सेलेक्ट किया जाता है। दीज आर देन क्रॉस बोर्ड इनका फिर क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड मतलब क्या होता है, मेड टू रिप्रोड्यूस यानी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टू गेट द न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल, उससे क्या होता है कि ये हैं ये नए ब्रीड यानी नए जानवर को ये प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर क्या होती हैं जो करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होता है दोनों, जो कि हम एज ए पेरेंट सेलेक्ट किए थे दोनों जानवरों को, तो उन दोनों की ही करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसको हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। विद दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से सर्टेन हाई यील्ड ब्रेड्स ऑफ सीप हैव बीन रिप्रोड्यूस, और इस तरह से अधिक अत्यधिक इस तरह से अच्छे किस्म के हमें क्या होते हैं भेड़ मिल जाते हैं है ना, प्रोड्यूस किए जाते हैं अच्छे कोट के, उच्च कोट के भेड़ को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, दे हैव थिक कोट ऑफ फूर, जिनकी में क्या होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेयर होते हैं, बाल होते हैं ऑन देयर बॉडी एंड यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वान्टिटी, और वो क्या करते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें क्या देते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं, ऊन देते हैं। द नेम ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ द सीप इन आवर कंट्री रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल, अब यहाँ पे हमें कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में क्या दिया हुआ है, जो हमारे कंट्री में कुछ ब्रीड का नाम दिया हुआ है और क्वालिटी ऑफ वूल और कहाँ पे वो स्टेट है जहाँ पे जिस तरह का हमें वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो दिया हुआ है। लोही ये कहाँ पे होता है, इनकी कौन सी क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी वूल, और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं जो ब्रीड पाए जाते हैं, ये राजस्थान और पंजाब में। रामपुरा बुशेयर ये कहाँ पाया जाता है, ब्राउन प्लेस, ये कैसे देते हैं ब्राउन प्लेस होता है इनका, ब्राउन कलर का होता है वो। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नाली ये कारपेट वूल होता है, कारपेट बनाने के जो काम आते हैं वाले वो। राजस्थान हरियाणा में बकरवाल ये वूलन साल के लिए यूज़ किया जाता है ये कहाँ, जम्मू और कश्मीर में मारवाड़ी कोर्स वूल मतलब जो थोड़ा सा मोटा थिक सा होता है वो वाले हो गए है ना, गुजरात में पाए जाते हैं। पाटन वादी होजरी का जो सामान बनता है मतलब होजरी वाले कपड़े जो बनते हैं ये पाटन वादी वाले ब्रीड होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात में। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। वंस द रियर्ड सीप हैव डेवलप्ड ए थिक कोट ऑफ एयर, एक बार जो पाले हुए सीप हैं वो क्या कहते हैं एक काफ़ी मोटा जो है बाल उग जाता है जब, ठीक है ना, काफ़ी मोटा बाल उग जाता है, इट इज सेव्ड ऑफ, इसे क्या किया जाता है सेव कर दिया जाता है जिससे कि हमें वूल मिल सके। वी गेट वूल फ्रॉम द सीप बाय लॉन्ग प्रोसेस, वूल हमें प्राप्त करने में काफ़ी लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, चलिए उस प्रोसेस के एक करके देखते कौन कौन सा स्टेप होता है। पहला होता है शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है भाई, द फ्लीस यानी कोट ऑफ वूल, फ्लीस क्या होता है कोट ऑफ वूल, वूल का एक कोट होता है। अलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप, क्या होता है कि जो वूल है वूल कोट ऑफ वूल है ठीक है, इसे क्या किया जाता है ये उसकी जो पतली सी चमड़ी होती है उसके साथ ही क्या किया जाता है छील दिया जाता है उसके बॉडी से। इट इज डन मैनुअली विथ ए लार्ज रेजर और विथ ए इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयरिंग मशीन, या तो यह काफ़ी बड़े रेजर से किया जाता है ठीक है, या फिर कोई बिजली से चलने वाले मशीन से शेयरिंग मशीन से किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग,
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बालों को रिमूव किया जाता है ना, शीप के बॉडी से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। जो भेड़ है उसका ऊपरी लेयर कैसा होता है, वो स्किन का वो डेड रहता है, मरा हुआ रहता है, मतलब उसमें जान नहीं होता है, तो उसके ऊपरी लेयर को लेकर के वो छील देते हैं, जिससे उसको कोई हर्ट नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचता है। शीप आर शियर्ड इन अर्ली समर, जो शीप का शियरिंग होता है मतलब इनके बालों को जो छील दिया जाता है, वो कब हो जाता है, जब शुरुआती गर्मी पड़ता है, है ना, सो दैट दे डू नॉट फील द हीट, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी ना होने पाए। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर ऑनसेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर, और जो इनके बाल हैं वो ठंडक शुरू होने से पहले ही पूरे उग जाते, जिससे कि वो क्या करे, अपने आप को ठंडक से बचा सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस था शेयरिंग का। अब क्या होता है कि साइंटिस्ट ने एक नया प्रोसेस तैयार कर लिया है, जिससे कि इसे ब्लेड का यूज ना करना पड़े। साइंटिस्ट है डेवलप ए न्यू टेक्निक फॉर शेयरिंग ऑफ द शीप दैट इज यूज इन सम शीप सेट्स नाउडेज। साइंटिस्ट ने कई तरह का कुछ एक नया मतलब डेवलप कर लिया टेक्निक, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान न, मतलब ब्लेड का यूज़ ना करना पड़े, है ना, और वो आसानी से उनके शरीर से क्या कहते हैं, बॉडी से बाल आसानी से निकल जाए। दिस टेक्निक इस कॉल्ड बायो क्लिपिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो क्लिपिंग कहते हैं। इन दिस टेक्निक द शीप इज इंजेक्टेड विथ स्पेशल हारमोन्स, इसमें होता क्या है कि जो शीप है उसे एक स्पेशल हारमोन दे दिया जाता है, सो दैट देयर फ्लीस कैन बी इजिली पील्ड ऑफ विदाउट यूजिंग शीयर्स। तो उसकी क्या होता है कि जो शीप के बाल होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं बिना शीयर का यूज़ किए, है ना, किसी शेयरिंग मशीन का यूज़ किए या किसी रेजर का यूज़ किए बिना ही वो आसानी से अपने आप निकल जाता है उस हार्मोन की वजह से। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्कोरिंग। क्या होता है स्कोरिंग, द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन डस्ट डर्ट स्वीट वेजिटेबल मैटर ग्रीस एक्सेट्रा। ये जो इनके फ्लीस होते हैं शीप के, भेड़ का जो फ्लीस होता है उसमें क्या होता है, डस्ट रहेगा, धूल रहेगा, मिट्टी रहेगा, है ना, पसीना, वेजिटेबल के मैटर को जो खाए रहते हैं ना, और ग्रीस मतलब कुछ ऑयली चीज़ अगर लगा हुआ है तो उसको क्या किया जाता है, निकाला जाएगा। इट इज थ्रूली क्लीन बाय वॉशिंग विथ सोप और डिटर्जेंट और ए लॉट्स ऑफ वाटर इन ए टैंक। इससे क्या होता है, उसे निकाल करके फिर काफ़ी बड़े से टैंक में या तो साबुन से या डिटर्जेंट से या फिर और पानी का बहुत सारे यूज़ करके धुला जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट डर्ट स्वेट ग्रेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग। यही जो प्रोसेस है इसमें से फ्लीस के धुल करके उसमें से धूल मिट्टी पसीना, है ना, ग्रेस जो ऑयली सब्सटेंस है इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं, मतलब साफ सफाई। स्कोरिंग मतलब क्या होता है, साफ सफाई। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फ्लीस को धुल करके उसमें से धूल मिट्टी के कण, है ना, और ग्रीस ऑयली सब्सटेंस जो है उसे निकाल देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्कोरिंग, यानी साफ सफाई करते हैं। नाउएडेज़ स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, आज के समय में क्या होता है, ये मशीन के थ्रू किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं टैंक में, यहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग, आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज सेपरेटेड और सॉर्टेड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। स्कोरिंग के बाद यानी साफ सफाई के बाद वूल को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इनकी क्वालिटी के बेसिस पे। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन हेयर इज सेंट टू द फैक्ट्री, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और लंबे वाले होते हैं उन्हें कोई फैक्ट्री में भेजा जाता है अगले प्रोसेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम रिमेनिंग इन्फीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि अच्छे क्वालिटी के वूल को हम लोग अलग करते हैं फ्लीस में से, और जो बैड क्वालिटी होती है, ब्रोकन टूटे हुए पीस होते हैं, उन्हें हम लोग अलग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कॉम्बिंग। द फ्लीस इज कॉम्ब्ड टू रिमूव बर्स, द फीवर बर्स द बेटर द वूल्स। क्या होता है, अब फ्लीस जो हो गया उसे हम क्या करते हैं, धुलाई के बाद क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, यानी उसे कंघी किया जाता है, जिससे कि उसमें जो कहीं पे गांठ हो या कहीं पे फंसे हुए हों तो ये फाइन अच्छे से और स्ट्रेट हेयर के फॉर्म में हो जाए। ठीक है ना, क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कहते हैं, उसमें जो छोटे छोटे गांठ है आपस में मतलब फंस गए हैं, इन चीज को कॉम्ब करके यानी कंघी करके उसे ठीक कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड इन दिस स्टेप। और इस फाइबर में हम क्या करते हैं, स्टेप में फाइबर को स्ट्रेटन भी करते हैं, मतलब सीधा कर देते हैं। डाइंग नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट इन कलर। जो नेचुरल कलर होता है फ्लीस का वो या तो ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या फिर व्हाइट कलर होगा। द फाइबर्स ऑब्टेन आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर। और जो भी फाइबर हमें मिलता है उसे अपने इच्छा अनुसार जिस कलर में हम लोग चाहें उस कलर में डाई कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइंग कहते हैं। स्पिनिंग द स्ट्रेटेंड फाइबर आर स्पून ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। और यही जो हमारे सीधे वाले या फाइबर्स होते हैं है, इनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि ये क्या हो सके, वूल का धागा बन सके। द वूल यार्न इज आइदर नीटेड आर वूवन। इन्हें हम लोग या फिर कताई करते हैं या फिर बुनाई करते हैं। एंड द लॉन्गर फाइबर आर नीटेड इन वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो लंबे वाले बाल होते हैं उनको हम लोग कताई करके बुनाई करके स्वेटर बना लेते हैं, और जो छोटे वाले फाइबर होते हैं उनका हम लोग वूलन क्लॉथ गर्म वाले कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।